नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। कैमरे में हमारे साथ मदन हैं और हमेशा की तरह दिव्या हमारे साथ इस सफ़र में साथी हैं। कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसी सोच वाले लोग साथ में रहते हैं, लेकिन एक जैसी सोच वालों में भी कट्टर ही सोच वालों को साथ में रख दिया जाए, वो भी कैबिनेट में, तो उस जगह के लिए कैसा रहेगा? और आज जब हम कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जुड़ी हुई दुनिया है एक दूसरे से, ग्लोबल विलेज कहा जाता है अब इसे, वैसे में अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है वो आगाज़ है, तो अंजाम कैसा होगा? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने अगर ये जाना और समझा है कि अफगानिस्तान में नया प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है और वो अफगानिस्तान में इस सरकार का सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और माइटी और ताकतवर व्यक्ति है, तो आप गलत समझ रहे हैं। सिराज हक्कानी वैश्विक आतंकवादियों में मोस्ट वांटेड में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक, जिसे इंटरनल मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बना दिया गया है तालिबान की सरकार में, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति है। और सोचिए, सबसे खतरनाक व्यक्ति को अगर इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है तो किसके हाथ में क्या दे दिया गया है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। असल में ISI ये चाह रहा था कि हक्कानी नेटवर्क को एक बड़ा से मिले गवर्नमेंट में, और ऐसा कराने में ISI कामयाब भी रहा। किस हद तक कामयाब रहा कि कैबिनेट के 33 चेहरों में से 18 ISI की पसंद के हक्कानी नेटवर्क के हैं। सिराज हक्कानी के अलावा इसमें और भी कई खतरनाक आतंकवादियों के नाम हैं, मसलन वसीक, ताजमीर, कयूम, इसके अलावा दाऊद मुजम्मिल, ये वो नाम हैं जो उन 18 लोगों में आते हैं जो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं और ISI के फिट किए हुए मोहरे हैं। अब ISI इनको क्यों फिट करना चाहता था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए ख़तरा बना हुआ है। तालिबान की ये शाखा डूरंड लाइन को नहीं मानती। उसका कहना है कि 1893 में ये जो डूरंड लाइन खींची गई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच में, इसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है और वो अफगानिस्तान का ही पार्ट है, मतलब वो किसी भी दिन इस्लामाबाद में झंडा लहराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ISI को इस बात का डर है, लिहाजा तालिबान की सरकार में वो लोग फिट करना चाहते थे जो उनके इस इंटरेस्ट का ख्याल रख पाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगा पाए। हक्कानी नेटवर्क के जरिए ISI ऐसा करना चाहता है। भारत के खिलाफ कश्मीर में साजिशों को अंजाम देना है। हक्कानी नेटवर्क भारत के खिलाफ खास तौर से बहुत आक्रामक रहा है और जो कई हमले अंजाम दिए गए हैं अफगानिस्तान में या काबुल में, उस दौरान जबकि वहाँ इसके पहले की सरकार थी, अशरफ गनी की सरकार या उससे पहले की सरकार, मसलन 2008 का काबुल दूतावास, भारतीय दूतावास में हमला, इसमें कई लोग मारे गए थे, ये हक्कानी नेटवर्क ने ही किया था। जितना भी स्मगलिंग का धंधा चल रहा है, अफीम की तस्करी, दूसरे नारकोटिक सब्सटेंसेस की तस्करी, हथियारों की तस्करी, इसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है। और हक्कानी नेटवर्क के ज़रिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है ISI। भारत के खिलाफ षड्यंत्रों के ताने बाने बुनना चाहता है वो हक्कानी नेटवर्क के ज़रिए कश्मीर में, ये बात भी इसमें शामिल है। उधर अब इसमें उनकी नई जो फौज है उसके जो मुखिया हैं उनका नाम है मिस्टर कारी, और जो कारी हैं वो जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, मतलब शिनजियांग में जिसकी वजह से अस्थिरता फैल सकती है और चीन की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी खतरे में आ सकती है, उस कारी को सेट करने में चीन लगा हुआ है ISI के ज़रिए। उसके लिए भी हक्कानी नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है। तो हक्कानी नेटवर्क को तालिबान में इतनी जगह क्यों मिली? हक्कानी नेटवर्क जो पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ ग्रुप है, हक्कानी नेटवर्क जिसको UN के तहत सैंक्शंस जिस पर लगे हुए हैं, हक्कानी नेटवर्क जो UN के 1267 क्लॉज के तहत सैंक्शंस के पूरे लपेटे में आया हुआ है, वो हक्कानी नेटवर्क जिसके ISKP के साथ और अलकायदा के साथ कुर्बत के संबंध हैं, वो हक्कानी नेटवर्क जो ISI के लिए उसके इशारों पर काम करता है तालिबान में, उसका एक बड़ा से इंश्योर कर दिया गया है ताकि तालिबान की सरकार ISI की उंगलियों के इशारों पर चलती रहे। लेकिन कहते हैं कि कई बार आप जब गड्ढा खोदने जाते हैं दूसरों के लिए तो वो आपकी कब्र का बायस हो जाता है।
देखते हैं आने वाले दिन किस तरफ जाते हैं और आईएसआई का उठाया हुआ ये कदम खुद उसके लिए कैसा साबित होता है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।